अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। आज हम हैं अमाना मॉल में, करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती, आपको देंगे लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे इनाम। तब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते और आज का प्रोग्राम बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही फनफुल बनाते हैं, तो आए लोगों से बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुबाब। क्या करते हो? क्या करती हूँ? मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ। ओके, ठीक हो गया। कितना टाइम हो गया शादी? 2 साल होने लगे हैं। अब मैरिज और अरेंज? अरेंज। टोटली अरेंज। चले, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? ओके। मुझे बताओ कि एक औरत थी, उसके 69 बच्चे थे, उस औरत का ताल्लुक किस मुल्क से था? पता नहीं। क्या सुनाऊंगी? रेसिपी शेयर करूँगी। एक डिज़र्ट की है वॉलनट टॉफी, उसमें वॉलनट्स लें, मैरी बिस्किट लें, इनको क्रश कर लें दोनों को, फिर क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क, लेयरिंग करते जाएं, पहले कंडेंस्ड मिल्क की और फिर क्रीम की, फिर बिस्किट और वॉलनट्स की, और सब जितनी लेयर्स आप चाहें उतनी लगा लें, फिर वो रेडी हो जाएगा बॉल में। एक बॉल में आप लेयर्स करेंगे और वो रेडी है। सब फिर नहीं, फ्रीज कर, फ्रीज नहीं करना, फ्रिज में रख दें 2-4 घंटे के लिए बस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। थैंक यू। वेलकम जी। इन्होंने एक अच्छी सी रेसिपी बताई, अच्छी सी इसलिए क्योंकि डिफरेंट थी, वैसे तो बहुत आसान थी और डिफरेंट थी, मगर ये रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। चलिए मैं आपको एक अच्छा आसान सी, इंतहाई आसान सी रेसिपी बताती हूँ। आपको पता है कैन में आपको फ्रूट्स मिलते हैं, जिसमें आपको पाइनएप्पल भी मिल जाता है, मुख्तलिफ स्ट्रॉबेरी मिल जाती है, या आप वैसे लें घर में स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी मंगाएँ, उसको कट कर लें, धो के दो दो टुकड़ों में कर ले, तीन में, ज़्यादा छोटे नहीं करने, ठीक है? आप उसके अलावा पाइनएप्पल ले लें, ग्रेप्स ले लें, और मैंगो तो नहीं होगा इस टाइम, जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं, बनाना नहीं, ये ले लें। उसके बाद आप इसको एक बाउल में डाल लें और कैन का जो सीरम सा नहीं होता रह जाता है उसके अंदर, जूस सा होता है, वो भी डाल दें उसमें, वो रख लें, और उसके ऊपर कंडेंस मिल्क का एक छोटा डब्बा डाल दें बस, और कुछ भी ना डालें। बहुत डिलीशियस होगी और बहुत मज़े की लगेगी। ये मैंने इंग्लैंड में खाई थी और तब से मुझे ये इतनी पसंद आई, और मैंने जब उसे पूछा, सिंपल, सिर्फ कंडेंस मिल्क डालना है आपने और वो डालना है, तो बहुत मज़े की लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मुबशर अली। खतीजा। आपका नाम? फातिमा। कौन सी क्लास? नर्सरी 1-3। ये आपके? ये ऑनर के, ऑनर के बच्चे हैं। चले जी, मुझे बताएं बेटा कौन सी क्लास में? मैं 3B। 1C। आप तीनों के शूज तो बड़े अच्छे हैं, कहाँ से लिए हैं? लाहौर से। और आप कहाँ के? हम लोग तोबा। तोबा, तोबा टेक से। वाओ, ठीक हो गया। चलो मैं सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, एक आदमी है, ठीक है, वो गलत रास्ते से जा रहा था, वन वे थी, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, वार्डन ने उसका चलान नहीं किया, क्यों? वन वे थी, गलत रास्ते से आ रहा, हाँ, वो तो गलत आ रहा था, इधर को थी तो वो इधर को आ रहा था, चलान क्यों नहीं किया वार्डन? नहीं होगा देखा, प्रॉपर देखा उसको, ऐसे कर जाने वाला होगा उसको, पहली दफा देखा जानता था, या जो वार्डन है वो रॉन्ग वे पे खड़ा होगा, भाग गया नहीं। चलें, आप क्या सुनाएंगे? मैं चन्ना मेरे। Okay, और आप? दिल दी अंकल। और आप? पॉइंट। और आप? पॉइंट। गुड, ये ले बारी बारी सारे। आप सुनाओ खतीजा। बेटा जोर से पकड़ो। कच्ची डोरियां 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से मैनू आ फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ना मेरी दिल दियां गल्लां, है करांगे रार नाल बैके अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मुहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों,
दस लेना कि नखरा दिखा के दिल दिया गलां करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मेरा के दिल दिया गलां करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मुहब्बता निभा के मेरी मम्मी प्यारी है सारे जब से नियारी है मुझको खाना खिलाती है और लोरी दे के सिलाती है मुझको खाना सिखाती है और लोरी दे के सिलाती है और स्कूल को ले जाती है और दूध भी पिलाती है मेरी मम्मी प्यारी है सारे जब से नियारी है it is raining on my head, pitter pitter raindrops, pitter pitter raindrops, I'm all wrecked, wow, चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया महफिल में तेरी हम ना रहें जो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है इतनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया थैंक यू आपकी लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू बच्चों वेलकम जी अच्छा जो है लड़के ने सॉन्ग सुना है उसकी आवाज़ जो है वो लड़के की काफ़ी अच्छी बेहतर आवाज़ थी और ये सॉन्ग भी जो है ये बड़ा वायरल सॉन्ग है लोग इसको पसंद करते हैं किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम नबीहा आपका नाम अपना नाम बताओ कौन सी क्लास में हो आप क्या करती हैं मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर में चलो मुझे बताओ एक आदमी ने ना एक कुत्ते को एक डॉगी को गोली मारी मगर मर जो वो टाइगर गया क्यों उसको लग गई होगी डॉगी को ही मारी लगी उसको उसको नहीं लगी पर वो मर गया क्यों पता नहीं क्या सुनाऊंगी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी दम वाला कीमा वो पहले कीमे पे लहसुन अदरक को पहले भून लें उसको फ्राई कर लें हाँ हाँ जी दम वाला कीमा नहीं नहीं लहसुन अदरक उठा हुआ हाँ जी लहसुन अदरक को उठा हुआ उसको फ्राई कर लें उसके अंदर कीमा डाल दें उसको दम पे लगा दें बाद में मिर्चें वगैरह डाल के नमक वगैरह डाल के उसके बाद उसको जब निकालें उसके ऊपर धनिया और अदरक डेकोरेटिंग के लिए लगा दें फिर तैयार हो जाएगा आपका कीमा 5 मिनट्स में ये रेसिपी तैयार हो जाती है इस चीज़ का कीमा चिकन का बना लें बीफ का बना लें बीफ पे थोड़ा टाइम लगता है 10 मिनट और चिकन पे तो फौरन ही तैयार हो जाता है अब मटन में मटन में भी 10 मिनट लगते हैं और पर चिकन वाला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा मज़े का भी वही लगता है इसने कुछ सुना ना एबीसी आती है सुनाओ एबीसी एबीसी सुनाओ लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लेंगे थैंक यू वेलकम जी बहुत एक अच्छा उन्होंने आपको जल्दी से बनाने वाला खाना बताया दम कीमा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी जब इन्होंने कहा कि आप लहसुन अदरक डाल के जो है वो आप उसको भूने ऐसा करने से पहले आप उसको कीमे को थोड़े से पानी में गर्म पानी में डालें वो थोड़े से उसके ऊपर ना एक बबल सा एक आ जाएगा ग्रेइश ब्राउन से कलर का उसको आप चमचे से उतार के फेंकें ठीक कहते हैं उसको और फिर उसमें दालचीनी डालें वो जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा
دین آپ اس میں انین ٹماٹر اور آپ تھوڑا کچھ کچرا کٹا ہوا انین ٹماٹر لہسن ادرک پیسٹ ویسٹ اور نمک مرچ جو بھی ہوتا ہے ہلدی شلدی وہ سب ڈال کے پھر ایک آئل ڈال کے اس کو بھونیں اور تھوڑی سی یوگرٹ ڈال کے اور جب تک وہ علیحدہ نہ ہو جائے نا اس کا آئل تب تک بھونیں دین پھر آپ اس کو دم دیں یہ جنجر سے اور دھنیا وغیرہ سے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگے گا اٹس اے ٹپ فار یو گائز ضرور ٹرائی کریے گا ان کے سے اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام ہنا شہزاد شہریار مجید سما سرینا کون سی کلاس فور سرینا کیا مطلب ہے شہزادی کون سی کلاس میں ٹو سکس آپ کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف چلیں تینوں بہن بھائی ہیں ہاں جی اوکے مجھے بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ امیر سے امیر آدمی پیالہ لے کے کھڑا ہوتا ہے کھانا کھا کر بے شک وہ تو ہے لیکن پراپر پیالے لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ تو نیو گری پپایا کیا شیئر کریں ریسیپی پہلے آلو کو پیل کر لیں اس کے بعد اس کو فرائز کی شیپ میں کاٹ لیں اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر 2 منٹس بوائل کر کے اور بیسن میں چاٹ مسالہ ڈال کے ٹھنڈے کر کے آلو کو اور بیسن میں چاٹ مسالہ مکس کریں اور اس کو پانی میں مکس کر کے گھول کے بیسن کو اور اس کے اندر پھر فرائز ڈپ کر کے پھر فرائی کریں تو بہت اچھے کرسپی فرائز بنیں گے نمک ڈالیں چاٹ مسالہ کافی ہے کیونکہ بچے زیادہ سالٹی نہیں کھائیں گے وہ مطلب اتنا ہوتا ہے اس ہاں اس میں سے کیا سنانا کیا سنانا سمارا نظم سنانا انگلش سانگ There is a place in your heart and I know that it is love and this place could be much brighter than tomorrow There are ways to get there if you care enough for the living Make a better place for you and for me Make a better place for you and for me Heal the world Make it a better place For you and for me and the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make a better place for you and for me Make a better place for you and for me Very nice, sir. Point. Chalo, main pakadu. Samne. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart that I do believe that we shall overcome someday. That we shall overcome someday. ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ایک دن دل کو ہے یقین پورا ہے یقین ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ویری نائس یہ لے لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ تھینک یو ویلکم جی لڑکے اور جو ان کا یعنی کہ میل بچہ تھا اس کا سانگ بہت اچھا تھا اور یہ جو پنک جیکٹ والی بیٹی تھی ان کی اس کا بھی اچھا تھا ویسے ہی جیسے وہ کہتے ہیں ہم ہوں گے کامیاب ایک دن اور دس از ویری نائس سانگ اور یہ بچوں میں بڑی موٹیویشن پیدا کر رہا تھا آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری نائس کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام نام آپ مائرہ جبی کیا کرتے ہو میں اسٹوڈنٹ ہوں اچھا ایک آدمی نے نا ایک ڈاگی کو گولی ماری مگر ٹائیگر مر گیا کیوں آدمی نے کیا سنا میں بیوٹی ٹپ دوں گی سردیوں میں اسکن کافی ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے لیے اگر ہمارے پاس ملک کریم ہو ہم اسے لگا لیں تو اس سے ہماری اسکن سافٹ رہتی ہے کرتی کیا میں اسٹڈی کرتی ہوں کیا ایم آئی او ایم ہوں کیا بننا ہے آپ نے میں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈاکٹر اچھا کمپیوٹر سائنس میں ڈاکٹر کیسے پی ایچ ڈی کرنی ہے نا ہاں یہ بولو نا
मैंने कहा कंप्यूटर के डॉक्टर और न्यूज़ की तरह से आपके लिए थैंक यू वेलकम जी कंप्यूटर साइंस कर रही हैं उसमें जो ये PhD करना चाहती हैं दिस इज़ वेरी नाइस ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको मैं बार बार कहती हूँ कोई भी फील्ड हो कुछ भी आप करें नेवर स्टॉप योर स्टडी प्लीज़ पढ़ाई को मत रोकें आप ना कहें कि आप पता नहीं क्या हैं आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है स्टडी की हमेशा ज़रूरत होती है मैंने हमेशा पढ़ाई पे बहुत फोकस किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे करवाया है स्टिल आज सब कुछ होने के बावजूद आई एम मैरिड आई एम एंकर नाउ और डूइंग अ वेरी गुड प्रोग्राम स्टिल अब मैं बाहर जा रही हूँ और पढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपका रुतबा नहीं होगा आपके पास इल्म होना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत आपसे आपका इल्म नहीं छीन सकती सवाए अल्लाह के सो इल्म हासिल करो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नाम आपका अलीम रहमान अली मुझे बताओ अली के अलीम 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 क्या करते हो मैं SSC सेकंड ईयर SSC क्या बनना है बड़े होके इंशाल्लाह इंजीनियर ओके माशाल्लाह मुझे बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे अमीर से अमीर आदमी प्याला लेके खड़ा होता है No, I have no idea. Okay, ji. क्या सुनाऊँ? Song. सामने देखे, अच्छा सा. पल दो पल की क्यों है ज़िंदगी इस प्यार को है सदियाँ काफी नहीं तो खुदा से मांग लूँ मैं मोहलत मैं एक नहीं रहना है पास तेरे अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू मेरा हमदर्द है मरने के बाद आया वो मेरे मदार पे मरने के बाद आया वो मेरे मदार पे पत्थर पड़े सनम तेरे ऐसे प्यार वेरी नाइस लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट ये हुई ना बात वेलकम जी बहुत अच्छा गाना सुनाया और शेर भी सुना दिया थोड़ा दुखी था शेर बड़ा मिक्स ही था अच्छा लगा जी नाजरीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का ब्रेक पे जाती हूँ थोड़ी देर में वापस आती हूँ लेट्स हैव अ ब्रेक